नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम राकेश सिंधु, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ब्लूटूथ हेलमेट। तो ये जो इसके अंदर ब्लूटूथ है दोस्तों, लगा नहीं आता मार्केट से, तो कंपनी द्वारा नहीं आता इसके अंदर कोई भी ब्लूटूथ। जो भी ISI मार्क का हेलमेट होगा उसके अंदर ब्लूटूथ नहीं आता, आफ्टर मार्केट ही ब्लूटूथ लगवाना पड़ता है दोस्तों हमने। तो अगर हम लोग आफ्टर मार्केट हेलमेट के अंदर ब्लूटूथ लगवाते हैं तो करीब करीब हमें 2-2 हजार रुपये का ब्लूटूथ मिलता है। तो इसमें हमने ज़्यादा नहीं, करीब करीब 400 रुपया खर्चा आया हमारा इसके अंदर ब्लूटूथ बनाने का। तो इसे मैंने खुद बना रखा है ब्लूटूथ, देख सकते हो। और इसके अंदर एक खासियत है कि आप लोग को बाहर से इसके अंदर ब्लूटूथ बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। जो ब्लूटूथ आता है 2-2 हजार का करीब, यहाँ पर आता हो, यहाँ पर लगता है रिसीवर, ब्लूटूथ स्पीकर अंदर लगते है, तो इसके अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देगा आप लोगों को। तो इसका रिसीवर जो है दोस्तों, इसका यहाँ पर है इसका रिसीवर हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। ये हमें कार के अंदर लगता है, ऑक्स वाला रिसीवर होता है, कार के अंदर लगता है, तो ऑक्स वाला होता है ये। कार वाला हमने इसके अंदर यूज किया है। डबल क्लिक से इस पे कॉल कट हो जाता है, वन क्लिक पे इससे कॉल रिसीव हो जाती है और प्ले पाउस हो जाता है सॉन्ग। आप लोग इसके अंदर सॉन्ग सुनने का काफी अच्छा मजा ले सकते हो। और देख सकते हो आप लोग इसके अंदर, आप लोग कहीं पर भी कोई स्पीकर वगैरह कहीं लगे नहीं दिखेगा। दिखा देता हूँ आप लोगों को मैं, देख सकते हो कहीं कुछ नहीं दिखाई देगा इसके अंदर आपको बिल्कुल भी। तो अब मैं उखाड़ के दिखाता हूँ आपको इसके अंदर मैंने कैसे फिट किया हुआ है। ये मैं पैडिंग रिमूव कर देता हूँ इसकी, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये हम पैडिंग रिमूव कर देते हैं। अगर आपका पैडिंग रिमूवेबल नहीं है हेलमेट, जब भी आपका लग जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं लगेगा, लग जाएगा उसके अंदर भी, कोई भी हेलमेट हो उसके अंदर ब्लूटूथ लग जाएगा। इसके अंदर मैंने एक एक्स्ट्रा बैटरी भी लगाई हुई है, तो ये देख सकते हो ये रिसीवर है, ये ऑक्स ऑक्स वाला रिसीवर है। इसके अंदर एक छोटी सी बैटरी होती है और माइक भी है इसके अंदर। और इसके अंदर बैटरी वाली वायरिंग से मैंने अलग से वायरिंग निकाल के एक अलग से बड़ी बैटरी फिट की हुई है, देख सकते हो 1200 mAh की नोकिया वाली, ये देख सकते हो आप लोग। ये डबल टेप से इधर फिक्स कर दिया मैंने। और ये बैटरी का जो बैकअप है करीब 4-5 दिन का है बैकअप। अब इसके अंदर जो बैकअप था सिंगल बैटरी वाला, ये करीब 2-3 घंटे का था, तो अब बैकअप इसका बढ़कर 2-3 घंटे से 4-5 दिन हो गया, देख सकते हो आप लोग कितना फर्क पड़ गया। तो अभी मैं रिमूव कर देता हूँ इसको भी, तो देख सकते हो, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, दिखाना चाहूंगा, उखाड़ देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। ये देख सकते हो आप लोग, ये स्पीकर है दोस्तों, ये हमारा स्पीकर लगा हुआ ब्लूटूथ। ये हेडफोन का स्पीकर होता है, हेडफोन कोई भी हेडफोन यूज कर सकते हो आप। ये इधर लेफ्ट हो गया और इधर ये राइट वाला हो गया स्पीकर, ऐसे सेम। ये वायरिंग नीचे नीचे जा रही है, वायरिंग इसके अंदर से ये वायरिंग जा रही है। और ये इधर थोड़ा गड्ढा कर रखा है मैंने इसके अंदर, ताकि ये काफी ऊंचा है, ये डबल टेप लग के ऐसे इस पे फिक्स हो जाएगा यहाँ पर ही। और ये ऑक्स की, ये इधर ऑक्स हो गई, इधर एक साइड रिसीवर में हो गई ऑक्स और एक साइड हमारे हेडफोन के अंदर डल गई है ऑक्स, ये देख सकते हो आप लोग। ये अंदर अंदर ही अंदर फिट कर रखी है बिल्कुल, तो ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। तो ज्यादा देख सकते हो आप लोग, कोई ज्यादा मंत्र नहीं मारने इसके अंदर, आप लोगों ने बनाने के लिए घर पर ही तैयार हो जाएगा। ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 2 घंटे का काम है ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के लिए। 2 घंटे में आप लोग आराम से तैयार कर सकते हो इस हेलमेट को, देख सकते हो। और ये पैडिंग रिमूव हो गई, अब पैडिंग लगने के बाद इसके अंदर दिखाई भी नहीं देगा आप लोगों को कहाँ हेलमेट में कहाँ ब्लूटूथ लगी है। पूरा निकाल के दिखा देता हूँ मैं, दिखा देता हूँ। ये लो ये हमारा रिसीवर निकल गया, देख सकते हो आप लोग। ये नोकिया बैटरी लगी हुई है इसके अंदर और ये हमारा अब ऑक्स रह गई है। हम सीधा मोबाइल से भी चला सकते हैं इसको ऑक्स को, अगर हम थोड़ी अंदर तक चली जाएगी, हम बाहर निकल जाएगी, सीधा मोबाइल लगा देंगे हम ऑक्स के अंदर, तो जब भी चल जाएगी हमारी। तो हेलमेट देख लिया होगा आप लोगों ने कैसे तैयार किया मैंने, तो आप लोग भी अपने घर पर ऐसा ही हेलमेट तैयार कर सकते हो ब्लूटूथ हेलमेट। इसमें ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। वैसे आप लोगों ने ये रिसीवर लेना है ब्लूटूथ रिसीवर, कोई भी रिसीवर लिया हो 100 रुपये का आ जाता है आफ्टर मार्केट। बैटरी की जरूरत समझो आप लोग तो लगा सकते हो, बैटरी ऑप्शनेबल है। और कोई भी पुराना हेडफोन आपके पास घर पर, उसको आप लोग ऐसे फिट कर सकते हो हेडफोन को, ज्यादा कोई परेशानी वाली बात है नहीं है बिल्कुल भी।
कोई भी हेडफोन यूज कर सकते हो आप लोग इसके अंदर, जैसा भी आप लोग चाहो। तो और एक और बात बताना चाहूंगा मैं आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, क्या पता आप लोग दोस्त को भी ऐसे हेलमेट की जरूरत हो ब्लूटूथ हेलमेट की, तो उनके साथ भी आज आप लोग इस वीडियो उन लोगों के साथ भी आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्या पता उनको इस वीडियो के देखने के बाद कुछ हेल्प मिले तो उनको भी ब्लूटूथ हेलमेट बनाने में सहायता मिले। तो यही था दोस्तों चीप एंड बेस्ट ब्लूटूथ हेलमेट अपने घर पर ही बनाने का तरीका। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।